फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल। पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में और कुछ ट्रेंड्स भी हमने उसमें डिस्कस किए थे। हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, क्विक रिविजन दे देते हैं। हमने बात किया था साइज के बारे में कि एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे आते हुए बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि शेल्स में बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज इस पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर होता है कितनी आसानी से कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जितनी आसानी से लूज करेगा उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा और जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतने ज्यादा आसानी से वो लूज हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जब हम ग्रुप में बढ़ते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और अगर अक्रॉस द पीरियड हम मूव करेंगे तो क्या होता है, साइज जो है पीरियडिक टेबल में इस साइड जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता है तो उसके रिमूव आसानी से नहीं कर सकते, उस केस में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। फिर हमने बात की थी वैलेंसी की। वैलेंसी के बारे में हमने बात की थी कि एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स में सिमिलर होते हैं। तो अपने ग्रुप में अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 1 है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2 है, 13th का हम डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, डी ब्लॉक हम क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। 13th ग्रुप दैट इज पी ग्रुप में आ जाता है, 13th की वैलेंसी 3 है, 14th की 4, 15th की 3, 16th की 2, 17th की 1 और 18th की 0। इस तरह से वैलेंसी जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो वैरी करती है। तो इन चीजों को आप छोड़ करके अगले डिस्कशन करते हैं जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो एक तो ट्रेंड्स के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ उनके बारे में पढ़ना है और वो फैक्टर्स जो इस ट्रेंड को इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेंड्स कौन से होते हैं, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं। सो शुरुआत कर देते हैं। इनके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हीट। तो हीट को हम लोग, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम इसको एनर्जी के रूप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है और इन्वॉल्व होती है किस दौरान, आयोनाइजेशन एनर्जी के दौरान तो एब्जॉर्ब होगी। अब देखो जरा मैं डिस्कस करते हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और कोई सोडियम की बात करते हैं, मैं रफ बना रही हूँ ये, आप 11th में इस तरह का डायग्राम नहीं होता बट फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, उसके बाद अगले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, फिर उससे अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम में। मान लो मैं इसको सोडियम एटम मान लेती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम। अब देखो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो एनर्जी जो कि सोडियम एटम में लगेगी, दैट इज इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी। H इज फॉर एंथैल्पी। सोडियम में हमने कुछ एंथैल्पी लगाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक आउट कर दिया, आउट, इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गया तो वो क्या बन गया, सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन, राइट। किसी भी एलिमेंट को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था क्यों इसमें बंधा हुआ था, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, नॉकआउट करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली इसके ऑर्बिट से बाहर करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी,
और वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब देखो, अब हम ग्रुप में ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता है, रिमूव क्या हो रहा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी ऊपर से नीचे आते आते बढ़ रही है। देखो से फॉर एग्जाम्पल, पहले ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। नीचे आ जाएगा तो एक शेयर और ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी, अगली बार इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी। मुझे बताओ, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा उसमें अट्रैक्शन उतना कम होगा कि ज्यादा होगा? डेफिनेटली कम होगा। तो उसको नॉकआउट करने के लिए एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। यही बात मैं बताना चाह रही हूँ, जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में जैसे देखो क्या था ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। इसमें देखो, लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का और बड़ा है, पोटेशियम का और बड़ा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना है तो आसान किसमें से होगा इन तीनों की बात करें तो? यस, पोटेशियम में से निकालना आसान होगा, यानी कि पोटेशियम में कम एनर्जी लगेगी। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली गई। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, जितनी आसानी से रिमूव होगा। अक्रॉस द पीरियड अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, साइज यस छोटा होता चला जाता है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता चले जाएगा, उसको हटाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो जितना नजदीक आएगा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जब हम यहां से लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है, आसानी से हम पॉजिटिव आयन उसको नहीं बना पाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये पहली थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। ये वो एनर्जी है जो किसी भी एटम में से कम एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तीन हो सकती है, आप लोगों ने देखे है ना बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे सोडियम तो हमारे पास मान लो क्या है, वन पॉजिटिव आयन में है सोडियम, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन में होता है, एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव आयन में होता है। इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो तीन तरह की आयनाइजेशन एनर्जी होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आई ई। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसकी इसके पास तो एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके पास पहली और दूसरी, हालांकि हम निकालते हैं हम तीन आयनाइजेशन एंथैल्पीज तक सभी कैलकुलेट करते हैं, बाद में बताऊंगी मैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ एक्सेप्शंस हम उसको डिस्कस करूंगी मैं। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा दिया तो इसका मतलब अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूट्रल में बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के मुकाबले पॉजिटिव चार्ज अब ज्यादा हो गए, न्यूक्लियस के पास ज्यादा प्रोटॉन रह गए। मान लो सोडियम की बात करें तो सोडियम में पहले क्या थे, 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा बचा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बच गया, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आ जाएंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर यही ट्रेंड फॉलो होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर देन, इवन मोर हायर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, बिकॉज प्रोटॉन तो उतने के ही उतने हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो यहां पर मैं बात बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा कम होती है, सेकंड ज्यादा होती है और थर्ड उससे भी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, देखो इन्हीं की बात कर लेते हैं हम। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख लेती हूं सोडियम की और मैग्नीशियम की। सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1 और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। इलेक्ट्रॉन कौन सा नंबर आउट होगा? s वाला, इनकी हम बात ही नहीं करते। इसके पास मैं यहां लिख लेती हूं, इसके पास 3s1 है, इसके पास 3s2 है। ये किसके पास है? सोडियम के पास और ये है मैग्नीशियम के पास। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में है, है ना? तो यहां से यहां जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने क्या बताया था, बढ़ती है, बिकॉज साइज छोटा हो जाता है। मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की फर्स्ट वाली ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी फाइन। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका होगा फर्स्ट के बाद, जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो यहां पे, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 और इसका क्या बचेगा एक लूज होने के बाद, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना? अब देखो ये क्या है, स्टेबल हो चुका है सोडियम, क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। नाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम थी मैग्नीशियम के मुकाबले, बट सेकेंड आयनाइजेशन अगर हम अगला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सोडियम में से निकालना पड़ेगा स्टेबल में से, और मैग्नीशियम में हमारा अभी भी बाहर बाकी है तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी वेरी लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। कुछ और फैक्टर्स हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करने वाले, उनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो अभी डिस्कस किया मैंने, स्टेबिलिटी वाला। तो एक बार और डिस्कस करती हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एकदम से अलग कर करके क्या बना दिया जाएगा, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तीन तरह की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है। ऑलवेज फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड एंड सेकेंड इज लेस देन थर्ड, बट अगर इस तरह का कोई भी केस आ जाए तो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। यस वेरी गुड। अच्छा चलो एक और बता दूं, मैं मैग्नीशियम और इसकी बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी वही कहानी बनेगी, लेकिन इनका तब जाके खत्म होगा थर्ड आयनाइजेशन। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, और मैग्नीशियम में दो होते हैं तो तीसरा वाला एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं इसको छोड़ करके आगे बताना चाहूंगी कि फैक्टर्स और कौन से होते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। और हमारी वीडियो बनेगी इलेक्ट्रॉन गेम एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक भी मिस नहीं करना है आप लोगों ने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड गुड बाय।